नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। बीते शनिवार को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के एक साल पूरा होने के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से देश भर में 10,000 किसान उत्पादक संगठनों की शुरुआत की, जिससे किसानों की तकनीकी वित्तीय सहयोग और बाजार तक पहुँच सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इसी के साथ पीएम मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि के सभी लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड वितरण अभियान भी लॉन्च किया। आपको बता दें कि पीएम किसान योजना के तहत लगभग 8.5 करोड़ लाभार्थियों में से 6.5 करोड़ से अधिक किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड पहले से ही है, जिसके चलते इस अभियान से बाकी के 2 करोड़ किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड वितरण किए जाने की योजना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने बीते दिन चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की आधारशिला भी रखी। ये एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड क्षेत्र को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते से जोड़ेगा, साथ ही बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में बारिश के दौरान बर्बाद हुई किसानों की धान की फसल का मुआवजा जल्द ही किसानों को दिया जाने वाला है, मगर इस मुआवजे ने किसानों की उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया है। दरअसल जिला प्रशासन ने जिन 35,000 आपदाग्रस्त किसानों को चिन्हित किया है, उनके लिए सरकार की तरफ से सिर्फ 3.59 करोड़ रुपए ही जिला प्रशासन को भेजे गए हैं। ऐसे में जिले के हर एक किसान के खाते में लगभग 1,000 रुपए ही भेजे जाएंगे, जिसको लेकर जिले के किसानों में प्रशासन के खिलाफ नाराजगी है। किसानों का कहना है कि किसानों की जेब से इतने पैसे तो सिर्फ कार्यालयों को चक्कर काटने पर ही लग जाएंगे। आपको बता दें कि बीते साल दिसंबर में हुई अचानक बारिश के चलते जिले में धान की फसल बर्बादी की कगार पर पहुँच गई है। ज्यादातर किसानों की फसल खेत में सड़ गई, तो वहीं कुछ किसानों का धान खलिहान में भीगने के चलते बर्बाद हो गया। ऐसे में किसानों ने आपदा राशि के लिए जिला प्रशासन से गुहार लगाई थी और इसके बाद अब जाकर जब किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है तो भी सिर्फ 1,000 रुपए, जिसके चलते किसान काफी निराश हैं। बीते शनिवार को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जहां उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे के दौरान हुए भारत और अमेरिका के बीच समझौते पर विरोध जताया और कहा कि भारत और अमेरिका के बीच डेयरी उद्योग RPR और वेजिटेबल को लेकर हुए समझौते से किसानों को बहुत नुकसान होगा। 18 तारीख को आप दिल्ली में कुछ घेरा वगैरह? 18 तारीख में एक बड़ा प्रोग्राम हमारा, पूरा जो देश भर के किसान है वो उसमें आएंगे। 18 मार्च को दिल्ली में हमारा प्रोग्राम होगा जंतर मंतर का, और इन सारी समस्याओं को लेकर वहाँ पर जा रहे हैं। जैसे ब्राजील है, ब्राजील ने गन्ना किसानों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया था WTO में। तो जब 26 जनवरी को ब्राजील के राष्ट्रपति यहाँ पर आए, तो उससे पहले भी हम लोग सरकार से मिले थे, उन भारत सरकार के मंत्री से मिले और हमने अपना पक्ष वहाँ पर रखा, तो उन्होंने ये कहा था राष्ट्रपति ने कि हम ये मुकदमा वापसी लेंगे। तो हम समय समय पर अपनी बात करते रहते हैं। जैसे फसल बीमा योजना थी, पूर्ण रूप से योजना फेलियर साबित हुई और उससे कंपनी को फायदा हुआ। अब उसमें यह हुआ है कि स्वैच्छिक वह योजना लागू होगी देश में, जिस किसान को अपने खेत का बीमा करवाना है वो उसका बीमा करवा सकता है, जिसको नहीं करवाना जबरदस्ती किसी से पैसे नहीं कटेंगे, ये उन रूप से काम हुआ है। तो इसी को लेकर आप 18 तारीख को जा रहे हैं, और भी जो इशू होंगे, बिजली फ्री का है, कर्जे माफी का है। जैसे कल मध्य प्रदेश में हम थे तो वहाँ की सरकार ने कर्जे माफ करने की बात करी थी 2 लाख रुपए, अभी उन्होंने 50 और 1 लाख रुपए तक करा है। ये पूरे देश के किसानों का कर्जा माफ हो, कर्जा ना हो ये व्यवस्था बने, हमारे फसलों का रेट मिले ये व्यवस्था बने। और जो तेलंगाना वाला मॉडल है वहाँ पे 8,000 रुपए प्रति एकड़ किसान को दिया जा रहा है, वही मॉडल पूरे देश में लागू। ठीक है, धन्यवाद। और कुछ? इतना ही नहीं, किसानों की अन्य समस्याओं से जुड़े मुद्दे को लेकर आने वाले 18 मार्च को भारतीय किसान यूनियन देश भर के किसानों के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा आंदोलन करेंगे। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले अगर आपने अभी तक ग्रीन टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त ग्रीन टीवी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी सभी जानकारियां हम आप तक समय से पहुंचा सकें। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं।
अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।